आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे और रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, महाराज और शिवराज एक हो गए, अब मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर होगा? अब बीजेपी में एंट्री कर ली है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। बिल्कुल मीमांसा सबके सामने है, जब उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, मेरे गृह मंत्री, मेरे पार्टी के अध्यक्ष, इन तीन शब्दों का कहा और जिस तरह से उन्होंने अपनी व्यथा कही सबके सामने सार्वजनिक तौर पर, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व पार्टी के, उसके बारे में भी कहा और सबसे ज्यादा जो कहा कि दिल के करीब है, मेरे दिल के करीब है, हिंदुस्तान का दिल भी माना जाता है मध्य प्रदेश बीच में है और उनके दिल के करीब मध्य प्रदेश, जिस तरह से वहां पर उनके साथ अन्याय हुआ उसके कारण से उनकी व्यथा सबके सामने थी। और जाहिर तौर पर ये अब शिवराज और महाराज एक होकर जो कमलनाथ है उनकी सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, पूरा एक रणनीति बना चुके हैं और वहां पर जो शिवराज की सरकार बनेगी, अगर बनती है जिसकी संभावना ज्यादा है, तो महाराज का पूरा समर्थन होगा, ये तो सबकी जान के तले। विमान साहब एक बात और है, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर देखने में आया, अमूमन इतने बड़े नेता जब आते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पर तनाव जरूर रहता है कि इतने सालों में जिनके साथ लगाव रहा है, जिस विचारधारा के साथ हम आए हैं उसको छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं चेहरे पर तनाव दिखता, लेकिन यहाँ पर तनाव उनके चेहरे पर कतई नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा सकता है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से बुरी तरह से त्रस्त हो गए थे, मध्य प्रदेश के नेतृत्व से बुरी तरह से परेशान हो गए थे और इसी कारण से ये रास्ता उन्होंने अपनाया। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है केवल ज्योतिराज सिंधिया का बीजेपी में आना नहीं, कमलनाथ की सरकार वहां संभावित जाना नहीं और संभावित बीजेपी की सरकार बनना नहीं, बल्कि सिंधिया परिवार, विजयराज सिंधिया जो फाउंडर मेंबर जनसंघ की भी रही है, एक तरह से देखा जाए बीजेपी की फाउंडर मेंबर रही है और कद्दावर नेताओं में रही है और सबका सम्मान। देखिए पूरा का पूरा जो सिंधिया खानदान है, अभी सभी बीजेपी से जुड़े हुए थे एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर, ये हम फैमिली ट्री भी दिखा रहे हैं उनका, और अब सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यही सपना देखा था विजयराजे सिंधिया ने, जो कि संस्थापक सदस्य रही जनसंघ की। कि एक जो संतुष्टि होती है, एक लगाव होता है सिंधिया परिवार से बीजेपी का, आपने देखिए एक संसद के अंदर हमने देखा है कई सालों से, आपने भी देखा है, या संसद के बाहर कभी भी सिंधिया परिवार के खिलाफ बीजेपी उस तरह से मुखर कभी नहीं रही है। यहाँ तक कि माधवराव सिंधिया जब चुनाव लड़ते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के होते हुए भी कभी प्रचार करने नहीं जाते थे, ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ भी बहुत ज्यादा जब भी प्रचार का हुआ बीजेपी के कद्दावर नेता वहां पर उतने मुखर होकर प्रचार नहीं करते रहे, क्योंकि एक लगाव बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सिंधिया परिवार का रहा है ड्यू टू राजमाता सिंधिया। फिर बाद में आपने देखिए उनको दोनों बेटियां, जैसा कि आपने भी ट्री दिखा रही है पूरा परिवार का वो, तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सुकून की बात है, बीजेपी के नेताओं के लिए, और शिवराज कम से कम दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जो दूसरी पीढ़ी के नेताओं में से हैं बीजेपी के, उन सबको एक सुकून मिला है कि सिंधिया परिवार उनका हो गया पूरी तरह से, और यही चेहरा यही भाव आपको शिवराज के बयानों में दिख रहा है और यही भाव यहाँ पर रविंद्र, और ये जो दर्द है पहले उनकी चिट्ठी में भी झलका था क्यों उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और ये दर्द आज फिर झलका कि पहले जो कांग्रेस थी अब वो नहीं रही। और तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं।
तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में, और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब में मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया। पर आप लोगों को कहा है कि जो माधवराव सिंधिया के लोग थे वो संस्कारित लॉयल्टी थी, वो राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी। तो वो राजनीतिक लॉयल्टी अगर होती तो वो टूटते, आज वो संस्कारित लॉयल्टी की वजह से वो टूटेंगे नहीं, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए। युवराज जी, ज्योतिराव सिंधिया सबसे बड़े नेता थे, तो क्या लगता है कांग्रेस का कोई नेता नहीं है? तो बीजेपी में एंट्री हो चुकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और जैसे कि आप शिवराज सिंह चौहान को भी इससे पहले सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शिवराज और महाराज अब एक हो चुके हैं, और शिवराज और महाराज अगर एक हो गए हैं तो ऐसे में कमलनाथ सरकार का यहां पर रहना अब बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद 22 विधायक हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, जो बेंगलुरु में हैं, और उनको संभालने की जिम्मेदारी जो है वो भी बीजेपी नेता जो संकट मोचक हैं बीजेपी के, वो वहां पर बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि बहुमत वो साबित कर देंगे, अभी तो उनकी ओर से दाव नहीं खेला गया है। लेकिन आज आप इसे कह सकते हैं पिक्चर ऑफ द डे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया खानदान से अकेले वो ऐसे सदस्य थे जो अभी तक कांग्रेस में थे, 18 साल उन्होंने कांग्रेस में बिताए, और उनकी जो व्यथा, उनकी जो पीड़ा है वो पहले चिट्ठी में जाहिर हुई थी क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और आज जो उन्होंने वक्तव्य अपना दिया उसमें भी उन्होंने यही बात की कि अब जो कांग्रेस पहले थी वो गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की है, ये जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत ने मध्य प्रदेश से 15 साल बाद सरकार बनाई है, और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना, एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है, और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं, क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं आज। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कर्ज माफी का क्या हुआ, भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ। ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे, 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं, और किसी प्रकार का संपर्क और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेशनल बूथ हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। सब लोग 22 लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं, और जहां
अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब है वहाँ इमरती देवी है, और जितने हम 22 विधायक है सब हंसी खुशी से है और सब अपनी इच्छा से है, और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बनकर के, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था हम लोगों के क्षेत्र में। हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है, और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी, और खासकर तो सिंधिया महाराज के। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो बेंगलोर आए हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल के संपर्क में हैं या किसी के संपर्क में हैं। हम लोग किसी के संपर्क में नहीं हैं।